अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको केमिस्ट्री की टिप्स दिलवाई वसीम भट्ट सर से, और उसके बाद हमने मैथमेटिक्स की हिजाज सर से आपको टिप्स दिलवाई, एंड उसके बाद रही बात आपकी बायोलॉजी की, उसकी टिप्स आपको प्रोवाइड करी सदाम सर ने। तो अब रहती थी बात एक ही सब्जेक्ट जो बचता था, वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए आपकी जो टिप्स है वो हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, जो आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट मतलब जिनको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है इस फिजिक्स को पढ़ाने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छी टिप्स दी है उन्होंने। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आपको वसीम सर, जिनको आप वसीम राजा सर के नाम से जानते हो, तो वो आपको इस वीडियो में फिजिक्स की टिप्स देने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अच्छी खासी टिप्स लेके जाओ। ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन अच्छे से जा रही है। तो ये वीडियो मैंने बनाया था, ये जो आकिब साहब है इसकी रिक्वेस्ट पे कि इन्होंने बोला था आप बच्चों को टिप्स दे दो। ये तो सिंपल है, बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, क्लास ट्वेल्थ के पहले होंगे, उसके बाद कुछ ही दिन बाद क्लास इलेवंथ के होंगे। सो क्लास इलेवंथ के बच्चे भी और क्लास इलेवंथ के ट्वेल्थ के बच्चे भी इस टाइम कंसर्न है रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम्स, और सारे प्रिपेयर कर रहे हैं। उनका मेन फोकस जो है इस टाइम बोर्ड एग्जाम्स ही है, मेन फोकस जो है। तो अब इस सिलसिले में मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ थोड़ी बहुत टिप्स दूंगा जिससे आप बोर्ड एग्जाम जो है उसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सको, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है वो तो चेंज हो गया है, उस वजह से थोड़े जो क्वेश्चन के टाइप है उन क्वेश्चन के टाइप में थोड़ी बहुत चेंज है। अब देखो बेटा, जो बोर्ड एग्जाम का नया पैटर्न मेरे सामने जो है उसमें पहले ही जो है सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। जिस तरह से जेकेसीटी ओल्ड पैटर्न जो था बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स या फिर फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। उनमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ोगे, जितने बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड उसकी फॉर्मूलाज वो अच्छे से रिमेंबर करनी है, वो फॉर्मूला बेस्ड ही 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। वो ज्यादा वो एंट्रेंस पैटर्न बेस्ड नहीं होंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल से सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो है सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी जो है उसमें 9 क्वेश्चंस है 2 मार्क्स के, और सेक्शन सी में उसमें भी 9 क्वेश्चंस है लेकिन 3 मार्क्स के। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ी ट्विस्टेड आते हैं। जो पुराना पैटर्न था उनमें ये क्वेश्चन जो थे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल होते थे, थ्योरेटिकल कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चन याद करते थे बच्चे, तो उन्हीं में से आता था। लेकिन लास्ट ईयर का पेपर हमने देखा या उससे पहले वाला पेपर हमने देखा, इसमें जो है जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है 3 मार्क्स क्वेश्चन या 2 मार्क्स क्वेश्चन, इनमें थोड़ी बहुत चेंज है। इनमें ये थोड़ा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में होता है। व्हाई दिस हैपनस, व्हाट हैपनस इफ दिस इंक्रीजेस, व्हाट हैपनस इफ दिस डिक्रीजेस। तो इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में करोगे क्या आप, जैसे ही आप कोई भी थ्योरेटिकल टॉपिक, जो भी आप थ्योरी कंप्लीट पढ़ते हो बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड थ्योरी जो है, वो आपको रट्टा याद नहीं मारनी है, वो आपको गोटा याद नहीं करना है। उसमें आपको क्या करना है, वो समझना है अच्छी तरह से। उसका जो इंट्रोडक्शन, कोई भी डेराइवेशन फॉर एग्जांपल हो, डेराइवेशन के पहले जो इंट्रोडक्शन होता है बॉडी ऑफ मास एम, वो इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझना है, और लास्ट में जो कंक्लूजन है वो भी अच्छे से समझना है। ये जो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन है यूजुअली उन्हीं कंक्लूजन पे होते हैं। रीजनिंग जिस तरह से लास्ट ईयर क्लास ट्वेल्थ में इसने दिया था, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हमेशा पॉजिटिव होता है, ये क्वेश्चन दिया था। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा बच्चा वो बोलेगा टेम्परेचर कोफिशिएंट कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है। और इन्हीं में से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में से सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी ये पूछता है, न्यूमेरिकल टाइप, लेकिन वो न्यूमेरिकल सिंपली फॉर्मूला बेस्ड होता है, एक ही कॉन्सेप्ट पे होगा। फॉर्मूला लगानी होगी या कन्वर्जन होगा, सिंपली कन्वर्ट करके फॉर्मूला यूज करनी होगी, आपको आंसर आएगा। बिल्कुल जिस तरह से आप कोई भी बुक देखते हो, ऊपर कोई टॉपिक होता है, टॉपिक के नीचे वो सिंपल प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम होती है। वो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का जो अगर न्यूमेरिकल आएगा उसी पे आएगा, अगर न्यूमेरिकल आया, अगर थ्योरी आएगी वो ज्यादा रीजनिंग बेस्ड आएगी। और अगर आप प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, मैक्सिमम जो है वो उसी में से लेता है, वो शॉर्ट टाइप 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब मसला रहा लास्ट के 3 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग टाइप है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो प्रीवियस ईयर की डेराइवेशन आप देख सकते हो, पिछले 4-5 साल की जो डेराइवेशन है वो वही आती है, उसमें सिर्फ डेराइवेशन आपको रिमेंबर करनी है, इंट्रोडक्शन फिर डेराइवेशन फिर लास्ट में कंक्लूजन, इतना ही लिखना है बस, सिंपल तरीके में बोर्ड एग्जाम। ये बोर्ड एग्जाम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, प्रीवियस जो जेकेसीटी पैटर्न था उसी पैटर्न पे बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनको आपको रट्टा याद नहीं मारना है, आपको जितनी भी थ्योरी है, थ्योरी जो है वो समझनी है, उसी जो थ्योरी है उसी थ्योरी में से ये कोई भी पॉइंट है वो निकालेगा, उसको 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनाएगा, कोई अच्छा पॉइंट होगा उसको निकालेगा, उसको 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनाएगा। सो आपको जो थ्योरी है, जो आप सारी की सारी थ्योरी पढ़ोगे उस
थ्योरी को अच्छे से समझना अच्छे से, हर कोई थ्योरी, फॉर एग्जाम्पल ट्वेल्थ की बात मैं करूंगा, ये आपको बोलेगा व्हाट हैपेंस इफ अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बस ये तो आपने पढ़ा है डिटेल में, इसकी डेराइवेशन भी आपने पढ़ी है, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टॉर्क के बदले इसने यूज किया वर्ड व्हाट हैपेंस इफ अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो सिंपल है, अगर आपने समझा होगा आप समझोगे ये वही टॉपिक है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप इसमें फिर लिख सकते हो अच्छे से डायग्राम बनाना, शॉर्ट अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम टू डेराइवेशन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वो डेराइवेशन होती है जो आई होती है पिछले 4 साल 5 साल में, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से बार बार क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस, डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, ठीक है, ये फिजिक्स की कुछ टिप्स है, ये आप याद कर सकते हो अच्छे से रिमेंबर। हाँ, रही बात नोट्स की बात, तो मैं आकिब साहब से बोलूंगा कि वो मैंने खुद अपने चैनल पे नोट्स डाले हैं क्लास 11th के भी, क्लास 12th के भी फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे नोट जो है 11th क्लास की भी 12th क्लास में मैंने गूगल ड्राइव लिंक अपनी चैनल पे लगाई है, मैं आकिब साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको ये लिंक शेयर करे, आपको 11th क्लास के नोट्स और 12th क्लास के नोट्स भी आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आप मेरे लिए भी दुआ करना, अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स अ लॉट वसीम सर, आपने इस वीडियो के लिए टाइम निकाला, बाकी जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है मैं चाहता हूँ आप सभी एक एक वर्ड लिखे वसीम सर के लिए, वो कहते हैं ना डिस्क्राइब हिम और हर इन वन वर्ड, आई जस्ट वांट टू सी आपके अंदर वसीम राजा सर के लिए कितना प्यार और रिस्पेक्ट है, ठीक है, तो बाकी आई होप कि आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।